हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि चंद्रदेव मिथुन लगन के चौथे भाव में आ जाए तो हमें किस तरह से फल देंगे। देखिए दोस्तों, चौथे घर का संबंध हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से है, हैप्पीनेस से है, फैमिली से है, मदर से है, इमोशन से है, माइंड से है, इमोशनल सिक्योरिटी से है, इमोशनल हैप्पीनेस से है, गाड़ियों से है, कंफर्ट से है, घर से है, मदर से है, मदरलैंड से है, और एक बहुत ही सिक्योर्ड सा ये हाउस है। एक जितनी भी हमारी पर्सनल एक्टिविटीज हैं वो हम चौथे घर से ही देखते हैं, और शादी के मामले में भी चौथा घर जो है वो इसलिए देखा जाता है कि ये शादी के बाद इंसान हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, खुश रहेगा या नहीं रहेगा। तो चौथे घर का रोल हमारी मैरिड लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमारी सेकंड हाउस का लॉर्ड मून आके बैठ गया छह नंबर राशि में। छह नंबर राशि थोड़ी एनालिटिकल राशि है, एनालिटिक्स की है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है। बुध के दो रूप हैं, एक तीन नंबर राशि में अलग है और छह नंबर राशि जो है उसकी क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है, और इसमें इंसान जो है हर चीज को क्रिटिकली देखता है, डेप्थ में जाता है, डिस्कस करता है, उसके प्रो एंड कॉन्स देखता है। जब हमारा मून यानी कि हमारा माइंड इस राशि में आ जाता है तो हम क्रिटिकल एनालिटिक्स में चले जाते हैं, हम हर चीज को क्रिटिकली देखेंगे। यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी काम हो रहे हैं, चाहे हमारे किसी से वार्तालाप हो रही है, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे हमें कोई प्रपोजल आ रहा है या हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें हम लॉजिक देखेंगे, क्रिटिकली देखेंगे, और उसमें उसकी कमियां भी निकालेंगे, और हमारा जो पर्पज होगा उस क्रिटिसिज्म का या गलतियां निकालने का, उस चीज को परफेक्ट बनाने में होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये परफेक्शन की राशि है। अब देखिए, मून थोड़ा सा माइंड अगर हमारा क्रिटिकल हो जाए तो थोड़ी सी हमारी रिलेशनशिप में खटास तो दे देता है, और वो चीज यहां भी मिलेगी। लेकिन ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छी राशि है। यानी कि यहां पर ऐसा देखा गया है कि जो जिस भी नेटिव का चार्ट देख रहे हैं, इसकी फैमिली वेल्दी होगी, दे वुड बी हैविंग मटेरियलिस्टिक एसेट्स, उनकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है अगर मून में कोई अफ्लिक्शन नहीं है। अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो एटलीस्ट उनका घर अच्छा हो सकता है, पैसा वैसा हो सकता है, और संपन्न लोग हो सकते हैं, खाने पीने वाले लोग हो सकते हैं जिस फैमिली से ये नेटिव बिलोंग करता है, और इसकी जो फैमिली की सपोर्ट है वो हमेशा इसको मिलेगी। थोड़ा सा ओपिनियन मदर से डिफरेंस, ओपिनियन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये एनिमी साइन है मून का, और यहां पर हमारी स्पीच जो है बहुत अच्छी होगी, हम बहुत मीठे होंगे, क्लेवर होंगे, इमोशनल होंगे और लॉजिकल भी होंगे। इमोशनल इसलिए कि ये चंद्र का काल पुरुष कुंडली में अपना ही घर है, जो चंद्र वाटरी प्लैनेट है, इमोशनल है, और छह नंबर यानी लॉजिकल इसलिए कि ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो हमें बड़ा लॉजिकल बना देंगे, हम हर चीज के पीछे रीजन ढूंढेंगे, तो यानी कि हम इंटेलिजेंट होंगे। और ये चौथा घर हमारी एजुकेशन का भी घर है, तो हमारी एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंट होंगे हम एजुकेशन में, और हमारी मदर भी इंटेलिजेंट होंगी, और हो सकता है मदर किसी प्रोफेशन में भी हो। और दोस्तों, दूसरा अगर स्पीच पैटर्न हमारा अच्छा होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि हम अपने स्पीच में बड़ा लॉजिकल हमारी अप्रोच रहेगी, और दूसरे घर से हम अपनी वेल्थ देखते हैं तो हम अपनी वेल्थ का यूज अपनी फैमिली के एसेट्स बिल्डअप करने में लगा सकते हैं,
अपनी वेल्थ को का यूज हम अपने डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए यूज कर सकते हैं, कंफर्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, गाड़ियों के लिए यूज कर सकते हैं, मकान के लिए यूज कर सकते हैं, या हमारे जितने भी जो भी हमारे घर की सजो सजावट की वस्तुएं उसमें हम खर्चा कर सकते हैं अपनी वेल्थ का, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, उसमें हमारी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहेगा। और फूड हैबिट्स से हम देखते हैं सेकंड हाउस से और हमारा खाना पीना भी यहाँ बहुत अच्छा चलेगा, हम खाने पीने में बड़े चूजी होंगे, क्योंकि अगेन सिक्स नंबर साइन, बड़ा एनालिटिकल होंगे, भाई इस चीज में प्रोटीन ज्यादा है, इसमें कार्ब्स ज्यादा हैं, इसमें विटामिन्स हैं, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, ये कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये सारी के सारी एनालिटिक्स यहाँ पर होगी। अगर मून में कोई अफ्लिक्शन नहीं, अगर मून के साथ केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, सैटर्न बैठ जाए, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो जाएंगी इन प्लैनेट्स की वजह से। या सेकंड हाउस में ही राहु बैठ जाए, वो तो हमें फिर सब कुछ ही खिला देगा, क्योंकि ओरिजिनली तो सेकंड हाउस ही है ना हमारी फूड हैबिट्स का। और ऐसे ही अगर शनि बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो हम बोलने में उतने चतुर उतने तेज नहीं होंगे, हम स्लो बोलने वाले होंगे। लेकिन अगर अफ्लिक्शन नहीं है इस मून में और सेकंड हाउस भी हमारा नीट एंड क्लीन है, तो फिर यहां पर काफी क्वालिटीज होंगी और यहां पर इंसान काफी पैसा कमा सकता है। इस प्लेसमेंट में इंसान रिच हो सकता है, ये एक वेल्थ योगी है। जब भी दूसरे घर का लॉर्ड चौथे में आ जाए, ग्यारहवें में आ जाए, पांचवें में आ जाए, ये वेल्थ योगी क्रिएट कर देते हैं, तो दिस पर्सन विल बी अ रिच पर्सन। हां, थोड़ा सा चीजों को क्रिटिकली देखेगा, ये रिश्तों को भी क्रिटिकली देखेगा। और यहां इंसान के पास एक अच्छा मकान होगा, घर की सिक्योरिटी होगी, इंसान कहीं भी काम करता होगा। ऐसे लोग अपने घर को बहुत याद करते हैं, जब भी वो परेशान होते हैं फटाक से वो बैग उठा के घर में आ जाते हैं और वहीं उनको पीस मिलती है, क्योंकि वहीं उनको सोशल सिक्योरिटी और इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहीं अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में ही मिलती है। तो इसलिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पर आदमी का ज्यादा पैसा यहाँ पर वेल्थ जो है इंसान की एक्यूमुलेटेड वेल्थ, वो ज्यादा प्रॉपर्टीज में लगेगी, गाड़ियों में लगेगी, कंफर्ट्स में लगेगी, और इंसान अच्छा मतलब होगेगा, और इंसान की मैरिड लाइफ भी यहाँ पर ऐसा माना जाता है अच्छी होगी। मैरिड लाइफ इसलिए अच्छी होगी, चौथा घर अच्छा पड़ा है। मैरिड लाइफ अगर ये घर डिस्टर्ब है, तो फिर जो है ना कहीं मैरिज का घर भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, डिस्टर्ब होगा, वहां भी कोई ना कोई मैलेफिक एनर्जी होगी। यहां बैठा हुआ चंद्र दसवें घर को देखेगा, दसवें घर में 12 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो 12 नंबर राशि गुरुदेव की है, तो ये इंसान प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशनल सक्सेस इसको मिलेगी, अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप करके रखेगा, रिलेशनशिप्स में बड़ा इंटेलिजेंट होगा, किस इंसान से कितनी रिलेशनशिप रखनी है, कितनी दूर तक जाना है, कितनी बॉन्ड रखना है, इमोशनल या प्रोफेशनल, वो सब इसको ज्ञान होगा। पढ़ाई लिखाई भी ऐसे इंसानों की अच्छी चलती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में अपने इमोशंस को घुसा देते हैं। 12 नंबर साइन वैसे ही हमारा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का साइन है, गुरुदेव का साइन है, तो यहाँ पर इंसान जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने कुछ न कुछ इमोशंस को रखेगा, मतलब अपनी इमोशनल कनेक्ट रखेगा अपने बॉसेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, उसी वजह से इसका प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ये 6 नंबर में है, लेकिन यह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से यहां बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है इस नेटिव को। नक्षत्र यहां पर है सूर्य देव का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, और चंद्र का अपना ही नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी, और
श्रवण नहीं है यहां पर, नक्षत्र आपका मिलेगा जो तीसरा नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है, और चंद्रदेव का एक और नक्षत्र है वो अभी हम आपको बता देंगे, हस्ता नक्षत्र। देखिए याद आ गया, हस्ता नक्षत्र है यहाँ, उसके चारों चरण यहाँ है। पहले जो शुरू से 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री तक उत्तर फाल्गुनी है, उसके तीन चरण हैं। और दूसरा नक्षत्र यहाँ आ जाता है हस्ता, मून का बहुत अच्छा नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र वर्क बाय हैंड्स का है, और इसकी जो मून का अपना नक्षत्र है, और ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, और इसमें मून परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है। और तीसरा नक्षत्र जो है वो चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र भी बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है, वो मंगल देव का है, और उसके जो डिटी हैं वो विश्वकर्मा है। उत्तर फाल्गुनी के डिटी जो है वो भाग्य है, भागा भागा है। हस्ता नक्षत्र के डिटी भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये तीनों के तीनों नक्षत्र चंद्रदेव के मित्र नक्षत्र हैं, या हस्ता तो अपना ही है। तो आप ये देखिए कि एनिमी साइन है बुध का, जिसमें चंद्रदेव बैठे हुए हैं, लेकिन जिस कॉन्स्टलेशन में बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, कॉन्स्टलेशन मीन्स हाउस उस पर्टिकुलर प्लेनेट का, वो सारे उनके अपने हैं। तो यहां पर मून कंफर्टेबल है, और इसी वजह से ही यहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि चंद्र जो है यहां कंफर्टेबल है और उसके अपने मित्र नक्षत्र। अगर यहां पर मून उत्तर फाल्गुनी में है तो बहुत एक रीगल रॉयलनेस रहेगी, और इंसान में काफी करेज रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, बातचीत करने में स्टेबिलिटी रहेगी और करेजियस रहेगा इंसान, एनालिटिकल भी रहेगा, करेजियस भी रहेगा, दोनों ही उसमें गुण होंगे, कॉन्फिडेंट रहेगा। तो सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाए चार्ट में, तो यहां पर चंद्र आपको बहुत हाइट्स पे ले जाएगा। और सिमिलरली अपने ही नक्षत्र में चंद्रदेव बैठे हों तो भी यहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर तो किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ बुध को देख लीजिए, जो डिस्पोजिटर, उसके चारों चरण यहां है, और तीसरा जो नक्षत्र है उसके दो चरण है, वो है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में भी मून बहुत अच्छा काम करता है, ये क्रिएटिविटी का, आर्ट का नक्षत्र है, और मंगल से भी चंद्रदेव की अच्छी मित्रता है, दोनों ये सब सिंकिंग एनर्जीज हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए नक्षत्र किसी में भी हो, लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए जो नक्षत्र का लॉर्ड है, और किसी छठे आठवें बारहवें में ना हो, तीसरे में भी ना हो तो अच्छा है। तो अगर उनकी प्लेसमेंट ऑस्पिशियस हाउसेज में है तो बहुत ही अच्छा, त्रिकोण में है, केंद्र में है, नीच का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। जो हमने यहाँ चीजें बताई हैं, रिजल्ट्स बताए, वो सारे इंसान को मिलेंगे, और एक प्रोफेशनल कामयाबी की तरफ इंसान जाएगा, और बहुत जल्दी यानी 24 साल के बाद ही आदमी सेटल हो जाता है, इसमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने लग जाता है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अदरवाइज वील सी यू सून। टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड हैव ए गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय।